मुरादाबाद में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ किया जा रहा है। जिला महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर निर्मला पाठक ने बताया कि इस पखवाड़े में भारत सरकार द्वारा निर्धारित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जन समुदाय में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से संतृप्त करने के उद्देश्य से आयुष्मान भव नाम के एक अभियान का संचालन किया जाना है। अभियान का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा 13 सितंबर को दोपहर 11 बजे किया जाएगा। अभियान की सफलता के लिए जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समन्वय नामित किया गया है। इस अभियान के सफल संचालन में अंतर विभागीय समन्वय की अहम भूमिका है। CMS ने बताया कि अभियान के 5 प्रमुख घटक हैं, जिसमें सेवा पखवाड़ा, दूसरा आयुष्मान आपके द्वार 3.0, तीसरा आयुष्मान मेला नया वर्जन, चौथा आयुष्मान सभा और पांचवा आयुष्मान ग्राम पंचायत और आयुष्मान नगरीय वार्ड सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। सेवा पखवाड़े के 3 अंग हैं, स्वस्थ भारत अभियान, रक्तदान, महादान, अंगदान, शपथ, स्वच्छ भारत मिशन शामिल हैं। इसके अलावा CMS निर्मला पाठक ने महिला जिला अस्पताल में दी जा रही सेवाओं की भी जानकारी विस्तार से दी। इस समय महिला जिला अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या नई व्यवस्थाएं जोड़ी गई हैं? जितनी भी एंटीनेटल केसेस हैं खासकर, उन सबका हम लोग ब्लड चेकअप कराते हैं और अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम जो भी नया चला है, उससे हमारे यहाँ तीर्थांकर से 4 बच्चे आए हुए हैं, वो जो JR2 लेवल के, उनके द्वारा हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। वो लगभग एक दिन में 30 से 35 मरीजों का अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ होता है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है, सिजेरियन कराए जाते हैं, और जितनी भी जच्चाएँ आती हैं आउटडोर में भी, उनका जो है हम लोग ब्लड प्रेशर लेते हैं, टेम्परेचर चार्टिंग होती है। और इसके अलावा हमारे पास एडोलिसेंट जो है साथिया करके प्रोग्राम है, जिसमें एडोलिसेंट जो लड़कियां हैं उनको कभी कभी कुछ समस्याएं होती हैं उम्र के हिसाब से, जो शरीर में बदलाव आते हैं, बहुत सारी बातें वो कह नहीं पाती, तो उसके लिए हमारे यहाँ काउंसलर हैं जो OPD में ही रहते हैं, तो वो काउंसलिंग करती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग की सुविधा है, जिसमें कि नसबंदी हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जन आके करते हैं, और बाकी जो सिजेरियन के साथ नसबंदी होती है हमारी सभी लेडी डॉक्टर्स करती हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ इन्हें मिल पा रहा है? हाँ, JSY की जो जननी सुरक्षा की योजना है, उसके तहत जो है जो शहरी क्षेत्र से आती है उनको 1,000 रुपया मिलता है, और जो गांव से आती है उनको 1,400 रुपया मिलता है। फैमिली प्लानिंग के भी महिलाओं को जिस हिसाब से जो भी उन्होंने दिया गया है, तो उनको उस हिसाब से उनका पेमेंट दिया जाता है। पोस्टमार्टम ICD है, उसके लिए भी पेमेंट दिया जाता है, और हमारी काउंसलर के लिए भी एक कमरा है, जिसमें कि वो अलग अलग, यही नहीं है कि सिर्फ आपको नसबंदी करानी है या PPICD डलवानी है, कई सारी प्रोग्राम है जिसके पूरे बारे में वो विवरण देती है। और फिर वो मरीज़ के ऊपर होती चॉइस की वो कौन सी स्पेसिंग मेथड या फैमिली प्लानिंग का कौन सा मेथड चूज़ करना चाहती है, और फिर वो बताती है कि ये आपके लिए बेटर होगा, उसकी वो उसको चूज़ करने में मदद करती है। उस तरह से हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ MCH विंग में इम्यूनाइजेशन भी होता है, जो कि टीकाकरण है, हर तरह का टीका हमारे यहाँ लगता है छोटे बच्चों का। और बाकी इसके अलावा भी जो महिलाएं जिनको जच्चा बच्चा से संबंधित के अलावा और भी कोई बीमारियाँ हैं, उनका भी इलाज जो है हमारे OPD में किया जाता है, ये सुविधाएँ दी गई। और अभी आयुष्मान भव का नया प्रोग्राम होने वाला है। आयुष्मान भव में क्या कार्यक्रम? इसमें इन्होंने अभी तो हमें इसके 5 मुख्य भाग बताए हैं, जिसके लिए आज हमारी मीटिंग होगी। आयुष्मान भव का जो है इसका जो है शुभारंभ होगा, मतलब माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 13 सितंबर 2023 को प्रातः 11 बजे किया जाएगा। तो उसमें हम लोग के इसके 5 घटक हैं, जिसमें एक सेवा पखवाड़ा है, एक आयुष्मान आपके द्वार है, एक आयुष्मान मेला होगा, आयुष्मान सभा होगी, आयुष्मान ग्राम पंचायत, आयुष्मान नगरी कार्ड। तो ये जो सेवा पखवाड़ा है ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा, और इसके मेन कंपोनेंट है कि स्वच्छ भारत अभियान होगा, रक्तदान, महादान हमें बताया जाएगा, हमें प्रमोट किया, हमें कराना है लोगों को कि ब्लड डोनेट करें, अंगदान भी जो लोग करना चाहते हैं उसके महत्व बताए जाएंगे, उसकी शपथ दिलाई जाएगी,
और स्वच्छ भारत के अभियान चलाया जाएगा कि सभी हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज, सब जगह स्वच्छता रहे। तो इस तरह से इसके हैं आयुष्मान आपके द्वारा, इसकी तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत छूटे हुए जो भी लाभार्थी हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान मेला होगा, इसमें इसका प्रारंभ 17 दिसंबर 2023 से किया जाएगा। तो समस्त जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र हैं उन पर किया जाएगा ये। इसके अंतर्गत उपकेंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और इसमें उस पर जो है प्रत्येक शनिवार को स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा और प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ, ये सभी सीएससी केंद्र पर होगा या ये कराया जाएगा? अभी इसके बारे में आज मीटिंग होगी, इसकी शुरुआत होगी। आयुष्मान सभा का है 2/10/23 को आयुष्मान सभा का आयोजन किया जाएगा। ये अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है जिसकी डिटेल में डीएम साहब के साथ मीटिंग होगी तो बचाया जाएगा। और राज्य स्तर से वर्चुअल माध्यम से राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, संबंधित को सबसे मतलब हेल्प ली जाएगी। तो अभी ये स्टार्टिंग होनी है इसका। थैंक यू।